रोलिंग रोलिंग एक्शन। तुम तो ऐसे इंसान हो जैसे पूरा उनको खींच के ले। एक खींच ले। साइलेंस एक्शन। व्हाट इज सर एक्शन। और पीछे आ सकते हैं। सब तरफ देखते रहो। इतनी हिम्मत आ जाएगी कि मेरी दी के ससुराल के सामने सबके सामने शराब पीकर
कन्फेस कर देगा? माँ को तो नहीं पता था ऑफकोर्स। हाँ मुझे तो नहीं पता था, और जब उसने प्रज्ञा से शादी तोड़ी भी थी तो मुझे याद है कि मैंने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाला था कि कैसे उसने प्रज्ञा का दिल तोड़ा, और किसी और लड़की की वजह से। वो लड़की बुलबुल होगी ये बात मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग है, मतलब दोनों लड़कियों ने मिलकर मुझे नहीं बताया और ये बहुत गलत है। और सुरेश जिसको मैंने अभी प्रज्ञा के वो MMS उसमें उसकी शादी भी हो रही थी तभी मैंने कहा कि उसे कम से कम दोस्ती निभानी तो आती है, तो मेरे सारे इंप्रेशन को उसने कूड़ा कर दिया, मतलब उसे दोस्ती निभानी भी नहीं आई। और प्यार किससे जो आपको प्यार ही नहीं करता, एक तरफा प्यार से क्या मतलब है, बेकार। चलिए उसने कूड़ा तो और सुरेश ने किया, लेकिन आपकी बेटियों ने भी आपको नहीं बताया, आपको इस बात को? देखो हमने माँ को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी वजह थी, बिकॉज मम्मा इतना, मतलब मम्मा को हार्ट अटैक भी आया था। नहीं नहीं हार्ट अटैक से पहले की बात है, मतलब हार्ट अटैक से पहले की बात है, इसलिए नहीं, इन्होंने क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि माँ उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करे। मैं सुरेश पे बहुत विश्वास करते थे और बेसिकली कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। अरे यार मम्मा को अगर पता चलेगा कि उसकी बड़ी बेटी की शादी उसकी छोटी बेटी की वजह से टूटी है तो कितना डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सुरेश को हम अब घर का मेंबर ही मानते थे, तो बच्चों को दोनों बेटियों को यही लगा कि किस तरीके से एक माँ का एज अ मदर विश्वास टूट जाएगा कि मैंने इतना विश्वास जिस इंसान पे किया उसे घर में आने दिया, क्योंकि हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है, वो एक बेटा बनकर एक जवाई बनकर उसको इतना प्यार किया, वो ही धोखा कर रहा है, और वो भी उसको वो पसंद आ रही है, कौन छोटी बहनी, तो उसको कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हाँ वो है ही, मैं हूँ ही इतनी हॉट। वो पीके आए वो पीके आए हैं, वो पीके आए हैं। देखो बुलबुल की लाइफ में तो ट्रेजेडीज कभी खत्म होते ही नहीं है, उसकी शादी कभी होती नहीं, दुनिया के सारे लड़के उससे शादी करना चाहते हैं, पर कोई सुन लो मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। आलिया तेरी शादी होगी इंशाल्लाह। आलिया ने मेरा पीछा छोड़ा, अभी सुरेश पता नहीं कहाँ से आ गया, आई थिंक उसको वापस पीके के जगह भेज देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मतलब आज है ना हमने सुना था कि जब आपकी माँ सरला है तो थप्पड़ मारने में बड़ा मजा आता है, आज अरे हाँ मैं जब मुझे गुस्सा चढ़ता है मैं थप्पड़ मारती हूँ, मैंने बुलबुल को थप्पड़ मारा है, प्रज्ञा को थप्पड़ मारा है, पूरब को थप्पड़ मारा है, अभी को थप्पड़ मारा है, सुरेश को दूसरी बार थप्पड़ मारा है, और तो सबके मतलब थप्पड़ मारने वाली। लेकिन माँ आई थिंक होती है ऐसी है, वो जितना रोती है जितना प्यार करती है उतना उसको जल्दी से एकदम थप्पड़ मार देती है। माँ के थप्पड़ माँ का थप्पड़ खाना जरूरी भी होता है, तभी यू नो तभी दिमाग खुलता है, तभी उसके आई थिंक वो जो उसने शराब पी के उसके सब हो गए, तो जब हिल मिल गए होंगे उसके, मेरा जोर का थप्पड़। ये थप्पड़ मारने से हमें एक और चीज का याद आया कि थप्पड़ कितने कई प्रकार के होते हैं, हाँ। तो जो सरला जी ने है ना आज तक कितने प्रकार के थप्पड़ मारे और कैसे कैसे थप्पड़ मारे? मैंने मारे तो थप्पड़ हमेशा थोड़े गुस्से में है, लेकिन अपने बच्चों को जब मारता है आदमी तो ऐसे मारता है कि थप्पड़ मारूंगी तुझे वैसा वाला, उसको मारा तो गुस्से में मारा कि मतलब हाउ डेयर यू टच माय डॉटर, थप्पड़ मारूंगी तुझे मैं ऐसा वाला। और प्रज्ञा को एक बार ये मारा था इसलिए क्योंकि वो अंदर कुछ गलत बयान देकर आ गई थी, बेचारा जेल में था, तो उसके कुछ रीजन से इससे पहले कि वो बोलती मैंने उसको थप्पड़ मारा कि तूने ऐसा किया थप्पड़ मारूंगी तुझे, ऐसा अलग अलग एक्सप्रेशन के थप्पड़ है। तो अगर हम उसमें भी मतलब और अभी को तो गुस्से में थप्पड़ मारा था कि हाउ डेयर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा सोच भी कह सकते हो कि मेरी बेटी ऐसा करेगी तो थप्पड़ मारूंगी तुझे। शेरनी नहीं लग रही है, मैंने सुबह इनको कहा है कि ये शेरनी जैसी लग रही है, थप्पड़ भी मार दिया। माँ से सीखा थप्पड़ मारना, तीन चार प्रकार के थप्पड़ मारना। नहीं थप्पड़ मारना नहीं, लेकिन उस थप्पड़ से डर लगता है कि माँ है, माँ गलत चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, सो इट्स बेटर थप्पड़ खाने की नौबत ना आनी चाहिए बस। तो यानी आगे का डायलॉग होगा भाई प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर लगता है, प्यार से नहीं। वो नहीं प्यार से डर नहीं लगता, लेकिन माँ के थप्पड़ से डर लगता है। Thank you, thank you, and Happy New Year. Happy.